मैंने आधा केजी चावल लिया है पीसने के लिए। ये डोसा सब बनाते हैं ना वही चावल है। इसको मैंने 3 घंटे अच्छे से पानी से भिगा के रखा है। ओके, अच्छे से स्मूथ हो गया है। 3 घंटे भिगा के रखे तो स्मूथ हो जाएगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा नमक डालूँगा। नमक डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गाढ़ा करके पीसूँगा। गाढ़ा करके पीसने का है। देखिए मैंने अच्छे से पीसा है इसको, गाढ़ा करके नाइस करके पीसा है। इतना पीसेगा तो काफ़ी है, देखिए इतना। तो मैं अभी इस पीसे हुए चावल को इसमें डालूँगा। अभी देखिए मैंने ये चावल अच्छे से पीस के बर्तन में डाला हूँ। अभी मैं एक नारियल, देखिए एक नारियल मैंने लिया है, तो नारियल भी इसको डालूंगा। नारियल डाल के अच्छे से मिक्स करूँगा। हाथ क्लीन करने के बाद इसको नारियल और पीसे हुए चावल को अच्छे से मिक्स करने का। देखिए ऐसा, देखिए मैंने केले का पत्ता लिया है। देखिए इतना इतना बड़ा टुकड़ा किया है। देखिए इतना टुकड़ा किया तो केले का पत्ता काफ़ी है। इस केले का पत्ता को मैंने ये चावल पीस के रखा है ना, इसमें डालूँगा। डाल के अच्छे से पतला करके ऐसा लगाऊँगा। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत ही केले के पत्ता में बनता है ना, इसीलिए देखिए बहुत पतला करके ऐसा लगाने का। इसको एक बार ऐसा फोल्ड करने का, देखिए ऐसा, और अच्छे से ऐसा करके एक प्लेट में रखने का। देखिए ये पत्ता थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैं 3 बार फोल्ड करूँगा। देखिए एक ऐसा, एक बार हो गया ना, 2 बार हो गया, एक एक। देखिए इसका ऊपर एक बार ऐसा 3 फोल्ड करूँगा मैं। 3 बार पत्ता आ जाएगा, देखिए 3 बार आ जाएगा, 1, 2, 3 बार पत्ता आ जाएगा। ये भी मैं प्लेट के ऊपर रखूँगा। अभी इसको स्टीम बर्तन पे रख के अच्छे से मैं पकाऊंगा। ये एक स्टीम बर्तन में मैंने पानी रखा है उबलाने के लिए। अच्छे से उबल आने दे, देखिए अच्छे से आग भी हो रहा है। ये बर्तन में पानी अच्छे से उबल आ गया है, देखिए धुआं आ रहा है ना, इसका अंदर मैंने पानी डाला है, देखिए उबल आ रहा है। तो अभी मैं केले का पत्ता में डाल के रखा था ना, प्लेट में डाल के रखा था, इसको मैं इसमें रखूँगा। देखिए इसका धुआं तो हाथ में लगेगा तो ही बहुत गर्म होता है।
अभी मैं इसको 20 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगा, अभी तक अच्छे से ढक्कन ढक के रखूंगा 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद मैं निकालूंगा। देखिए 20 मिनट तक हो गया, मैंने पकाने के लिए रख के, अभी मैं देखूंगा पक गया करके। देखिए इसका कलर तो चेंज हो गया, अच्छे से पका होगा, टाइम भी हो गया है 20 मिनट तक। अभी मैं इस प्लेट पे रखा था ना ये रेसिपी को, मैं निकालूंगा प्लेट को। देखिए इसका कलर सब चेंज हो गया है, तभी मालूम पड़ता है हम लोगों को पका करके। देखिए ये अच्छे से पक गया है, थोड़ा ठंडे होने दें, इसके बाद मैं खाकर भी दिखाऊंगा कैसा हो गया करके। अभी तो ये रेडी हो गया है, थोड़ा ठंडे होने का। देखिए पत्ता, तो इसके ऊपर पत्ता डाल दें ना, कैसे ओपन करने का। देखिए बहुत इजी से ओपन कर सकते, देखिए बहुत इजी भी कर सकते हैं ये। आप लोगों को खा कर भी दिखाऊंगा ये कैसा हो गया करके। बहुत ही टेस्टी लग रहा है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।